अरे भट्टी, तुम यहाँ? तुम तो हमारे स्कूल में पीएम का काम करते थे ना, सिक्योरिटी गार्ड हो गए तुम यहाँ पर। और तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए। मैं तो बहुत अमीर हूँ। और तुम्हें एक बात पता है, तेरे जैसे मैं 50 एम्प्लॉय अपनी कंपनी में रख सकते हैं, और तेरे जैसे लोग एकदम यूजलेस होते हैं। बेटा तुम अभी नहीं बदले। बेटा मुझे एक बात की समझ नहीं लगी, तुम लोगों की बेइज्जती करके तुम्हें अच्छा क्यों लगता? ओ हाँ भट्टी, मुझे बेइज्जती करके बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगी। अच्छा तुम बताओ यहाँ क्यों आई? ओहो मतलब मैं तो यहाँ भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरा प्रमोशन हो गया। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे रहने दे, अंदर ही अंदर तो जल रहा होगा मुझसे। मैं क्यों जलूंगा, मैं तो बहुत खुश हूँ अंदर से। हाँ वो तो मुझे नजर ही आ रहा है कि तू कितना खुश है। नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। वो सब छोड़ो, तुम्हें क्या पता हो? मैडम ये आपकी मिठाई। ओह हाँ थैंक यू इमरान। बट्टी तुझे पता है ये क्या है? ये मिठाई है, और ये बहुत ही अच्छी बेकरी की है, तुमने तो कभी सोची भी नहीं होगी। खोखर स्वीट का कभी नाम सुना? ये उनकी मिठाई है, तुमने तो कभी सोचा भी नहीं होगा, सपने में भी। मैं तो इधर से गुजर रही थी और मुझे तुम नजर आ गए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ये मिठाई दिखाती चली जाऊं। मैं देख ले, क्योंकि तेरी औकात तो नहीं होगी इतनी महंगी मिठाई खाने की। देख ले अब तुम जाओ, तुमने मेरा ना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों, अगर मैं ना गई तो क्या कर लेगा तू मेरा? बेटा तुम अब तो सुधर जाओ, दूसरों की बेइज्जती करके तुम्हें क्या मजा आता, तुमने मेरा टाइम ना बहुत वेस्ट कर दिया, तुम जाओ। बट्टी टाइम तो क्या, टाइम के साथ साथ तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई है। तुमने ना मेरा टाइम पहले बहुत जाया कर दिया, स्कूल का ना मैं चौकीदार था ना पहले। अरे क्या कर लेगा तू, तुम जैसे लोग ना जीरो होते हो, जीरो। बेटा फोन आ गए हो? बॉस आप यहाँ? हाँ ये मेरे पापा है, और इस बिल्डिंग के ऊपर इनका पेंट हाउस है, लेकिन तुम यहाँ से कर? मैं वो यहाँ सर। मैं बताता हूँ, तुमने इसकी तरक्की की होगी, ये मुझे मिठाई खिलाने आई है। ओहो नहीं नहीं दिखाने आई थी मुझे। ओ अच्छा तो तुम यहाँ प्रमोशन दिखाने आई थी। तुम्हें पता तुम्हें यहाँ प्रमोशन क्यों मिला? मेरे पापा की वजह। जब इन्हें पता चला कि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि तुम जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, ये स्कूल में पीएन थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें भी प्रमोशन चाहिए चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा बिहेव करोगी। तुम्हें एक बात बताऊं बेटा, इनको ना गरीबों का मजाक उड़ाना बहुत अच्छा लगता। अच्छा तो मिडिल क्लास लोगों का मजाक उड़ाना, उनकी बेइज्जती करना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। एक बात बताओ मुझे, जिस कंपनी में तुम काम करती हो, उस कंपनी में तुम अपनी मेहनत की वजह से पहुंची हो ना, या किसी और वजह से? अपनी मेहनत की वजह से पहुंची हो ना, तो ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं दे सकती। फर्ज करो कोई अमीर आदमी तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कभी सोचा? बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। ऐसे ही इनको भी बुरा लगे। अपनी छोटी सी सोच के लिए, अपनी छोटी सी खुशी के लिए तुमने ऐसी हरकत की। तुम्हारे जैसे ना ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी हरकतें करता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ही इन हरकतों की वजह से लोग तुम्हें बहुत बड़ा समझेंगे, महान समझेंगे? और एक बात सुनो, अजीम इंसान ना सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से होता, अपनी मेहनत की वजह से होता है, लोगों की इज्जत करने की वजह से होता है, ना कि तुम्हारी तरह दिखावा करने की वजह से। तुम्हें क्या लगता है दिखावा करने से तुम लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बच जाओगी? ऐसे नहीं, बल्कि तुम लोगों की नजरों में और गिर जाओगी। इतना गुरूर करना ना अच्छी बात नहीं, क्योंकि एंड में गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे वालदैन ने तुम्हारी क्या यही तरबियत की है? और ना तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी सोच का पता चलता है, और तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से तुम्हारी जो प्रमोशन है ना वो कैंसिल की जाती है, और तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग भी दी जाती है कि आइंदा से तुमने कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव किया, किसी को नीचा दिखाया, या किसी के सामने शोफ किया, तो तुम्हें कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। समझी? सॉरी सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज सर। अगर तुमने माफी ही मांगनी है ना, तो मुझसे ना मांगो, इनसे मांगो जिनके साथ तूने मिसबिहेव किया, जिनकी तूने इंसल्ट की है। चले पापा इसको माफ कर दे, क्योंकि इसको इसकी गलती की सजा और इसको इसकी गलती का एहसास हो चुका है। चलते हैं, नई कंपनी का इफ्तिताह भी करना है, और लेट ऑलरेडी लेट हो चुकी है, मैं आपको लेने आया था। वो अपने मुझे घर संभाल के रखना, चलो बेटा चले। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिंदगी में किसी भी इंसान को छोटा मत समझे। कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें छोटा या बड़ा कौन बनाता है, वो है हमारा किरदार।
अच्छा किरदार आपको अच्छा बनाता है और बुरा किरदार आपको बुरा बनाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो और वीडियो में दिया गया मैसेज पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक लाजमी पहुंचाएं। हो सकता है आपके एक शेयर करने से बहुत सारे लोग मिसबिहेव करने से बच जाएं। अल्लाह शुक्रिया। तो एक और बात, फॉलो करना भूल जाते हैं भाई, फॉलो भी कर लिया करें।